धार जिले के नालछा नगर में शनिवार, रविवार और मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। त्रैमासिक समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। जनपद पंचायत नालछा में आज त्रैमासिक समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक पांचेलाल मेड़ा, SDM सत्यनारायण दर्रा, नायब तहसीलदार मनीष जैन और सभी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई और यह फैसला किया गया कि अब मंगलवार, शनिवार और रविवार पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। सर, आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? अभी कोरोना का जो बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन एवं लोकल प्रशासन की ओर से शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा, साथ ही साथ जिन बड़े कस्बे में बाजार का दिन है वो भी बंद रहेगा। ठीक, आज किस संबंध में बैठक रखी गई थी? आज त्रैमासिक जो बैठक रहती है, समीक्षा बैठक, उस बैठक को आज संपन्न करा हमने SDM साहब आदरणीय दरो साहब और नायब तहसीलदार साहब आदरणीय जैन साहब के साथ में, जनपद के आदरणीय CO साहब गोयल जी और सभी विभाग के अधिकारियों ने नालछा ब्लॉक में एक बैठक संपन्न करी और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि और समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे और सबसे ज़्यादा कोरोना बीमारी को के बचाव के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग को हिदायतें दी और साथ में बरसात में होने वाली जो भी कमी पेशी विभागों की रहती है उसको पूर्ण किया जाए, अधूरे जो काम पड़े हैं पेंडिंग उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, अन्यथा जो व्यक्ति जो अधिकारी समय पे काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। जो काम चल रहे हैं उसके लिए हमने पंचायत लेवल पे दो दो तीन तीन लोगों की टीम गठित करके हम उसका परीक्षण करेंगे जनपद CO के माध्यम से और गांव के कुछ दो वरिष्ठों के साथ में कि मनरेगा के अंतर्गत जो हाजिरी भरी है, मास्टर भरे हैं, वो किस प्रकार से वहाँ के सचिव और वहाँ के सरपंच ने किस प्रकार से काम किया, इसका सत्यापन भी जनपद के द्वारा कराया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।